हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो टुडे इज माय फर्स्ट ब्लॉग इन इतना कटक। सो आज कटक में आपके लिए मैं हैदराबाद ईरानी चाय लाई हूँ। ये आई गेस नया आया है, मैं अब तक ट्राई नहीं की थी। सो बीइंग एन टी लवर आई वुड लव टू ट्राई इट। सो लेट्स ट्राई, देखते हैं इनका मेन्यू में क्या है। पास ईरानी चाय, मसाला चाय, इलायची चाय, जिंजर चाय, रोज चाय, पान चाय, चॉकलेट चाय एंड मलाई कॉफी। दे हैव दिस सच एट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। लाइक एटा के बे स्टार्ट करथले डिसेंबर 28 डिसेंबर स्टार्ट करथले माने एटा कोट माने हैदराबाद रो अपन आछल हैदराबाद फर्स्ट। अच्छा, हैदराबाद फर्स्ट थिले तापर एटी कटक को आछल। ओके, तो माने भले चल छी एबे लॉकडाउन भले चल थिला। लॉकडाउन एबे लॉकडाउन नै गेला, कम लोक जानि नै जे खुले वाला मोटे भी के जी खुले वाला। अच्छा, तो आपन को हैदराबाद रे माने ईरानी चाय रे कोन से माने माने केमिति बने से कट माने डिफरेंस कोन छी? डिफरेंस पूरा अलग दम जे बिरयानी जिन जे बनावे आ माने चाय रूप से दम दिया है। दम जाई नै देखो, डिफरेंट चाय पत्ती फ्लेवर सब डिफरेंट पत्ती अलग पत्ती। एंड मु जति के नेट रे पढ़तली माने कोले कोन सेटा माल माने ये रे मलाई माने खोया हुआ पड़ी की हुए अपने भी सेम खोया हुआ पड़ी की सब हैदराबाद डिटो। ओके चल, हम आज ट्राई कर पान चाय कोन सेम फ्लेवर चाय पत्ती फ्लेवर वाला पत्ती। ओके ठीक अछि, तो आज हम को दियों तो गोटे ईरानी चाय आउ गोटे रोज चाय देबे आ गोटे पान चाय देबे। इतनीटा चाय टेस्ट कर। मलाई बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा मलाई एंड टेस्ट इज रियली डिफरेंट। गाइस, दिस इज अ रोज चाय। गाइस, दिस इज अ रोज टी। चलो चखते हैं रोज चाय कैसा है। लाइक यू कैन सी, इसका कलर है पूरा नॉर्मल टी के जैसा, बट इसका फ्लेवर पूरा रोज के जैसा आता है बिकॉज इसके लाइक चाय पत्ती में ही रोज पेटल्स है। डू ट्राई दिस, कैसा है फ्लेवर? बहुत ही बढ़िया है। ईयर खुल चुके ना, रोज का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। चाय का फ्लेवर के साथ रोज का फ्लेवर मिक्स होके आता है तो इट्स गुड, प्रीटी गुड। इस बुबुन तू भी ट्राई कर दे। कैसा है? मीठा है थोड़ा, नहीं बहुत मीठा है बट आफ्टर ऑल रोज का भी आ रहा है। केस 10-15 रुपीस अच्छी जोटा की मैंने कौन कहल तार क्वालिटी भल नहीं कि किछि भी तुम यदि पीब जस्ट जेमि नॉर्मल घरे हाफा जडली। हां बहुत पैसे नहीं जैसे इटा बहुत ही घरे जेमि हाफा जडली तुम चाय बनई दियो जेमि लागे देन दुकान ने भी तुमको सेमति चाय करिक दे जेंदी बट प्राइसिंग तो मुनु जेंदी 10 रुपीस की 15 रुपीस जोटा। गाइस आगे हमारा पान फ्लेवर का चाय, सो चलो टेस्ट करते हैं ये कैसा है। आज अभी पहले तुम दोनों टेस्ट करो फिर मैं टेस्ट करूंगी। ओके चल, मैं पीऊंगा कुछ और होगा।
You can see chai patti hai, rose petals. Iska smell bahut hi strong hai and bahut hi acha hai. Fennel seeds bhi hai. चलो पकड़ो, अभी मैं ट्राई करूंगी चाय. स्टार्ट. गाइस बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, पान का पूरा फ्लेवर अच्छे से आ रहा है, इसकी पत्ती में ही बहुत अच्छा है. लाइक बहुत ही अच्छा फ्लेवर्स आ रहे हैं. अभी हमने नेक्स्ट ऑर्डर किया है मलाई कॉफी. इन्होंने रेकमेंड किया है कि इनका मलाई कॉफी बहुत अच्छा है, तो टेस्ट करते हैं मलाई कॉफी कैसा है. Loving this. Guys, please visit कीजिए. ये स्टेडियम में है, कुक के सामने ऑपोजिट. ये हैदराबादी बिरयानी चाय हाउस है. एंड ये ट्रक लाइक इन्होंने इस दिसंबर में ही स्टार्ट किया है, तो लॉकडाउन अभी ज्यादा लोग आने पा रहे, सबको पता भी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ चाय बिक भी रहा है. सो डू ट्राई, डिफरेंट है एंड प्राइसिंग इसका बहुत अच्छा है. बिरयानी चाय 10 रुपए में एंड यू कैन स्पॉट दैट. आपने देखा है कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा मलाई है. एंड आप देख सकते हैं अदर चाय सेट, मसाला चाय, चाय सब 15 रुपए का है. एंड द रोज चाय, पान चाय, लाइक इतना अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा चाय, इवन बिल्कुल भी पानी फीका नहीं है. वैल्यू फॉर मनी लाइक ओनली एट द रुपीज 20. वो है बोलते चॉकलेट चाय विच इज ऑल्सो 20. लाइक वेरी रीजनेबल प्राइस है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए. लाइक नॉर्मल दुकान में हम कई टप्पू के साथ है, आजकल सब लोग नॉर्मली एक मटके में ले देते हैं, बोलते कि नॉर्मल चाय होते हैं, बट जैसे मटके पे वो लेता है 20 रुपए 15 रुपए. बट यू कैन सी द फ्लेवर्स, यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लाइक घर जैसा फील है एंड बहुत ही ज्यादा टेस्टी है. आप जरूर आके ट्राई कीजिएगा एंड ट्राई नेक्स्ट मलाई कॉफी. फिर हम हमारा वीडियो एंड करेंगे मलाई कॉफी के बाद. ये मलाई कॉफी का बैटर है, अबे कुछ तो रिव्यू दे. पीता जा रहा है क्या बोलो, इतना मस्त ऐसे चाय पी के खो गया है ये. बिकॉज चाय में एक ऐसा नशा है जो किसी और में नहीं है. चाय लवर्स प्लीज विजिट दिस शॉप एंड ट्राई कीजिए डिफरेंट डिफरेंट चाय. और मैं तो रोज आता हूँ यहाँ पर, इस बार मेरी बहन को लाया हूँ यहाँ पर, उसको रिव्यू उसको देने के लिए, एज ए शी इज अ फूड ब्लॉगर. तो प्लीज आइए, डू विजिट दिस शॉप, रिव्यू देंगे कैसा है. आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए? 6 मंथ हो जाएगा सर. लाइक आप रोज पीते हैं? हाँ जी. लॉकडाउन में तो बंद होगा? नहीं, लॉकडाउन में बंद था बस, लेकिन चाय याद आ रहा था. अपना बंदा बहुत अच्छा बनाता है चाय. लाइक इसमें लाइक सबको पता नहीं है कटक में यहाँ पर एक ऐसा चाय खुला है, लाइक दे शुड कम एंड नो, लाइक बहुत रीजनेबल प्राइस में भी है. बहुत अच्छे प्राइस में सबको आना चाहिए यहाँ पे. अपना राकेश भाई जो है अच्छा बना रहा है चाय, सबको आना चाहिए, पीना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए. थैंक यू सो मच आपका रिव्यू देने के लिए. गाइस यू कैन सी ये मलाई कॉफी है, तो टेस्ट करते हैं हमारा मलाई कॉफी. बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मलाई है. मलाई कॉफी सिर्फ नाम का मलाई नहीं है, बहुत ज्यादा मलाई है इसमें. मुझे टी लवर्स नहीं, कॉफी लवर्स भी आके ट्राई कर सकते हैं दिस मलाई कॉफी. आप जरूर इस चाय में आइए. ये मैंने आपको पहले भी बोला, ये स्टेडियम में है, कटक स्टेडियम में है. तो ऑपोजिट मार्केट है, यहाँ पर फूड एरिया है, यहाँ पर हुक एंड कुक द कुक के ऑपोजिट है. एंड डू ट्राई दिस चाय, बहुत ही टेस्टी यम्मी एंड डिलीशियस. टी लवर्स डू कम हियर. मलाई तो बहुत ही ज्यादा है इसमें, और ये 20 रुपया में मिल रहा है, वो भी इतना अच्छा.
और उसका जो सेटअप भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, प्लेट के साथ मिल रहा है। सो लेट मी ड्रिंक। Guys, so मैं भी वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड डू विजिट दिस प्लेस एंड ट्राई दिस डिलिशियस यमी एंड फेवरेट कॉफी एंड पीस। सो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो, बाय।